खाता है। ए, और ये सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। Hey friends, welcome to your favorite channel, Hungry Monster. आज हंगरी मॉन्स्टर आया है विद्यार्थी भवन में और 10:40 हम लोग यहाँ पे रीच हुए। गलती है कि हम सैटरडे आ गए, बट बेसिकली जहाँ पे जब भी आओ तब भी इतनी भीड़ मिलेगी। तो 10:40 आए हैं, बट हमारा जो नंबर वो कॉल आउट करेंगे दैट इज़ आफ्टर 11:30। सो ऐसे टोकन देते हैं और कितने लोग आते हैं वो भी पूछते हैं, क्योंकि सीट्स जो है तुम्हें अलग नहीं मिलेगी, वो तुम्हें किसी का एडजस्ट करके ही मिलेगी। और दूसरी बात ये कि ये कितने 1943 से है और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था। सो देखते हैं आज अंदर चल के हमें, क्योंकि बहुत 9 ईयर्स हम यहाँ पे और हमने इसके बारे में बहुत 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 सुना है। तो पहली बार आए हैं तो देखते हैं अभी अंदर जाके क्या हाल रहता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं विद्यार्थी भवन जो कि है गांधी बाज़ार में, और भीड़ देख सकते हैं आप। और हमें सबके साथ एडजस्ट होकर बैठना पड़ेगा, अलग सीट्स कुछ नहीं मिलती है। सो देखते हैं आज इस आइकॉनिक प्लेस में क्या है। तो दोस्तों, जैसे अगर आप विद्यार्थी भवन में आते हो तो अगर आपको पार्सल लेना हो तो आपको पार्सल यहाँ से मिलेगा। आप अपना पैकेट का ऑर्डर कर दो और अपना ये वेट करो कि आपका जब भी पार्सल होगा आपको बोल देंगे और आप यू कैन टेक योर पार्सल ऑल्सो। वो जो मैंने पहले मेन्यू दिखाया था वो पार्सल का था और ये अभी यहाँ पे अंदर अवेलेबल है। मॉर्निंग का, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का। तो विद्यार्थी भवन जैसा को पता हम लोग वेट कर रहे हैं, तो इनका एक चीज़ और पता चला है मुझे कि यहाँ पे एक नंबर मैं आपको डिस्प्ले कराऊंगी। तो जब भी आप विद्यार्थी भवन आए उससे पहले अगर आपको स्लॉट चाहिए और आपको वेट ना करना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी सीट्स भी रिजर्व कर सकते हैं। ऑप्शन है, हमें तो पता नहीं था इस बारे में, पर आई थिंक किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक नहीं दिखाया तो हमें अभी 45 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। एक चीज़ और बतानी थी, ये जो मंडे थर्सडे टाइमिंग सामने दिख रहे हैं, सबसे मेन चीज़ बतानी थी कि फ्राइडे इनकी हॉलीडे रहती है तो फ्राइडे को बिल्कुल मत आना। तो विद्यार्थी भवन का बाहर से थोड़ा ऐसा नज़ारा है, बहुत ही पुराने ज़माने का, लाइक सबसे कंसेप्ट हुआ, उसको अभी तक चेंज नहीं किया है। अभी तक हमारा नंबर नहीं है, ऑलमोस्ट 11:30 हो गया है। तो ये है इंटरनल, क्या बोलते हैं इसको, इंटीरियर और विद्यार्थी भवन बहुत पुराने जमाने का है ना, बिल्कुल चेंज नहीं किया। 1943 में है, 80 ईयर्स ओल्ड, हमें बड़ा आ गया और साथ में इडली एंड केजरीवाल। फोटो पहले टेस्ट करेगा, स्टिक इन टू दैट। कैसा लगा मेरा मजाक? सांबर में स्वीटनेस आ रहा होगा ना, देखो हल्का आ रहा है, थोड़ा स्वीटनेस आएगा, हल्का स्वीटनेस आ रहा है, स्वीट है। बट हाउ इट्स द टेस्ट, लाइक टेस्ट इज बड़ा गुड, बस सांबर में हल्का था, मीठा बना रहा है। सर वन सिंगल वड़ा करो विदाउट सांबर, वड़ा मोटी के लिए, बट इट्स नॉट गरम, बेसी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चटनी का नंबर आ गया ना, एक्सक्यूज मी, टेक फ्रॉम देयर, नो दे विल गिव यू, आप पूछ सकते हैं। सर चटनी, तो ये मैंने यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे टाइम नहीं होता बिल्कुल। चटनी हाउ द टेस्ट, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बड़ा क्रिस्पी है, ठंडा है थोड़ा बट क्रिस्पी बहुत अच्छा है। इतना कुछ आ गया पहले अभी झूठ बोल रहा है, खाना देखते हैं। मेरा बेड़ा तो मेरे पास है बिल्कुल।
अगर डिप नहीं बोलोगे तो सेपरेट देंगे, डिप नहीं बोला कुछ तो डिप ही आएगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो ये रवा इडली आई थिंक, तो है ना? पता नहीं, इडली इज ऑल्सो गुड बट मेन थिंग अबाउट द सांबर, सांबर थोड़ा मीठा लग रहा है मुझे। उससे मीठा सांबर खाया नहीं जाता ना। कैसे लगा? ये बहुत अच्छा है, सीरियसली बहुत अच्छा है। आलू की सब्जी ऑसम है, आई लाइक इट। तो ये तो बहुत अच्छा लगा हमें, बट उनका चीफ गेस्ट है मसाला डोसा, वो भी आने वाला है, तो उसको टेस्ट करके फिर बताते हैं आपको। चटनी डालते हैं, डोसा आ गया मोटे का, मसाला डोसा। तो मोटा पहले बड़ा खत्म कर रहा वो अच्छा है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मेरी पूरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, खोल के दिखा डोसे को, फिलिंग रहती है, मस्त क्रिस्प बहुत लग रहा है, पूरा आलू भर के हमने इसे भी अच्छा खाया हुआ, तो मेले ओके है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो अभी लास्ट चीज है केसरी बात, हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया। बड़ा मोटू छोड़ दिया क्योंकि उसको मीठा लगा बहुत, तो केसरी बात मोटू खा रहा है, खा चुका है ऑलरेडी। कैसा लगा? डिफरेंट लेवल है, तो ठंडा है, गर्म होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो अभी हम अपना फाइनल रिव्यू बाहर जाके देंगे, अगर यहाँ पे दिया था हमें मार के भगा देंगे। विद्यार्थी भवन से आ गए, एक डेढ़ घंटे की वेटिंग के बाद हमें खाना मिला। और आई नो वेल, विद्यार्थी भवन के बहुत फैंस होंगे, मे बी एक ज़माने पे वो बहुत अच्छा होता होगा, बट अभी हमें जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इडली जो डिप जो इडली थी ना, वो हल्की मुझे थोड़ी रुखी लगी, थोड़ा हल्की ड्राई लगी। और जो इनका क्या बोलते थे सांभर था, सांभर थोड़ा मीठा था, गजब बेइज्जती है। Yes. और तीसरी बात, जो ये खाना दे रहे हैं उतना गर्म नहीं दे रहे हैं, मतलब हल्का ठंडा दे रहे हैं। केसरी बात हमने लिया, केसरी बात इनका ठंडा था ऑलमोस्ट, ठीक है। और हमने लिया वो डोसा, डोसा ही मुझे खास कोई लगा नहीं है, क्योंकि हमने जो डोसा खाया है सारी कंपनी ने, वो अभी अब तक का हमारा सबसे अच्छा डोसा है। तो मैं ऐसे ओवरऑल रैंकिंग बोलूँ आउट ऑफ 10, मेरे हिसाब से अभी जब मैं दे पाऊँगा मैथ टू मैथ 3 नंबर दे पाऊँगा, कंसीडरिंग ऑल द आइटम्स। यार ऑफेंसिव मत होना, आई नो फैंस भी बहुत है क्योंकि लोग बहुत आ रहे हैं मे बी, बट हमें जो अंदर लोग भी मिले वो भी ये कह रहे हैं कि उनका टेस्ट पहले से कम हुआ है। तो मे बी या तो हमारा लक नहीं था कि हम लोग टेस्ट को मैच कर पाएँ, बट मेरे हिसाब से आई विल नॉट विजिट अगेन हेयर। और मेरी रेटिंग भी 10 में से 3 रहेगी। बड़ा थोड़ा अच्छा, ठंडा था, मज़ा नहीं आया, पूरी अच्छी लगी मुझे सिर्फ, और कुछ भी अच्छा नहीं लगा। सो अभी चलते हैं, विद्यार्थी भवन की कहानी हमारी ख़त्म होती है, तो देखते रहिए हंगरी मॉन्स्टर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे बाकी वीडियो भी जाके चेकआउट कीजिए। बहुत मेहनत लगती है यार, दिल्ली के हैं, बाकी जगह के भी हैं, और बाकी जगह हमारे शॉर्ट भी हैं। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि नई नई सिटी में जाएं, नई नई जगह एक्सप्लोर करें। चलो बाय।